नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, बीजा गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त। दोस्तों आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं, एक जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपसे मैं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। दोस्तों आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी वीडियो है, क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त हैं जो यूके जाना चाहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया है लेकिन उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, ठीक है, और कई बार अप्लाई किया है लेकिन यूके का वीज़ा नहीं मिल पाया, ठीक। कुछ लोग तो स्पॉन्सर लेटर भी मंगा लेते हैं कहीं से, कोई दोस्त यार, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, यूके के स्पॉन्सर वीज़ा, स्पॉन्सर लेटर पे वीज़ा मिलना, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्पॉन्सर लेटर नहीं है, जिसके पास है उसे मिल जाता है काफ़ी मुश्किल के बाद, लेकिन जिसके पास स्पॉन्सर लेटर नहीं है उसको वीज़ा मिलने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूके जाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन यूके का वीज़ा जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे टफ अगर किसी कंट्री का वीज़ा है तो वो यूके का है, और क्योंकि यूके बहुत ही खूबसूरत शहर है, और बहुत ही खूबसूरत वहाँ शहर है, और इंग्लैंड जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, ये बहुत ही खूबसूरत देश है, वहाँ के जो शहर हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, इसलिए वहाँ का वीज़ा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। साथ ही साथ यूके, यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी है वो पाउंड चलती है, और पाउंड की कीमत सबको पता ही है कि पाउंड काफ़ी बड़ी करेंसी है, ठीक है, इंडियन रुपए में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पाउंड की वैल्यू है, 85, कभी कभी 95, ठीक है, 1 पाउंड यहाँ का 95 होता है, ठीक है, पाकिस्तान का और भी ज़्यादा है, 170 के आसपास है, बांग्लादेश का आसपास है। तो यूनाइटेड किंगडम की, इंग्लैंड की करेंसी जो है बहुत ही महंगी है, जिस कारण वीज़ा मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और बहुत से लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ ओवर स्टे कर देते हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने काफ़ी वीज़ा का रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस हिसाब से जाएंगे, उस तरीके से जाएंगे, तो आप बहुत जल्दी, मतलब बहुत ही ईजिली आपको यूके का वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है, आपको किसी स्पॉन्सर लेटर की कोई ना किसी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत है, ठीक है, तो आपका वीज़ा जो है वो बहुत ही आसानी से मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरी देखिए, कहीं कट मत करिए, क्योंकि अगर आप कट करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर दोस्तों बताता हूँ करना क्या है आपको। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट है जो मैं आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन की लिंक में दे दूँगा, ठीक है, इस वेबसाइट पर जाके, ठीक है, ये ICC का जो वर्ल्ड कप होने वाला है इंग्लैंड में 2019 में, ठीक है, तो वहाँ पे वर्ल्ड कप चालू होने वाला है, तो आप वर्ल्ड कप का टिकट ले लीजिए, ठीक है। और टिकट कैसे लेना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराइए, जैसे उसमें आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके वहाँ पे अपने टाइटल में भरिए, ठीक है, जो भी आपकी टाइटल हो, मिस्टर, ठीक है, और आपको जो ये पूरा फॉर्म जो खुल के आ रहा है ये पूरा आपको फिलअप करना है अच्छे से, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, आपका जेंडर क्या है, वो सब आपको पूरा फिल करना पड़ेगा उसमें अच्छे से। उसके बाद ईमेल जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से भरना है, क्योंकि जो सारा कुछ कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल से ही होगा। तो अगर आपका ये जो आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, इसकी कोई फ़ीस नहीं पड़ेगी, ये फ़ीस फ्री रहेगा आपका रजिस्टर अगर हो गया, और फिर वहाँ पे लकी ड्रा होता है, लकी ड्रा होने के बाद आपके पास ईमेल आएगा, ठीक है, उसमें ये भी लिखना रहेगा कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, तो आप सपोर्ट में डाल दीजिए, इंडिया, पाकिस्तान, जो आपको पसंद हो, कहाँ आपको खेलना है तो वो मैदान डाल दीजिए, ठीक है, लॉर्ड्स में देखना हो, मैच की कहाँ देखना हो, आप उस स्टेडियम का नाम डाल दीजिए, ठीक है, तो वो सब सारा चीज़ आपको भरना है। दूसरी सबसे खास चीज़ है कि आपको इसमें जो ईमेल डालना है वो बहुत ही, मतलब वो ईमेल आप परमानेंट यूज़ करते हो, ठीक है, जो सारा कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल पे होगा, ठीक, और
जब ये आप वहाँ लकी ड्रा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपके पास एक ईमेल आएगा, ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है। तो फिर आपको क्या करना रहेगा, आपको वीज़ा खरीद लेना, आपको टिकट खरीद लेना रहेगा। टिकट खरीदने के बाद फिर आप वापस, आपको पूरा वीज़ा का प्रोसेस करना है, विजिटर वीज़ा लेना है, ठीक है। इसमें फ़ायदा क्या है कि आपका ये रहेगा कि पर्पज़ ऑफ विज़िट आपके पास है, ठीक है, कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं इंग्लैंड। क्योंकि हर काउंसलर यही पूछता है कि आप इंग्लैंड क्यों जाना चाहते हैं, कहीं का वीज़ा आप नहीं है, जो बड़ी कंट्री है। तो आप बता सकते हैं कि मैं क्रिकेट देखने जा रहा हूँ, तो आपका जो वीज़ा है वो बहुत ही जल्दी अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर बाय द चांस आपका जो वीज़ा अप्रूव नहीं होता है, ठीक है, तो वो आपका टिकट आपको वापस मिल जाएगा, मतलब जो टिकट आप ले रहे हैं क्रिकेट का वो वापस हो जाता है, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों की मदद करिए। साथ में जो समझ ना आए वो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में या ईमेल करिएगा, ठीक है, और मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।